आज हमारा टॉपिक होगा लॉजिकल ऑपरेटर्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? अब जैसे हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ लिए, ठीक है, प्लस माइनस इक्वल्स सॉरी डिवीजन, उसके बाद हमने पढ़े कंपैरिजन ऑपरेटर्स जिसमें इक्वल्स टू आ गया, लेस देन आ गया, ग्रेटर देन आ गया, ठीक है, लेस देन एंड ग्रेटर देन। तो इसी तरह हमारे पास कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कहाँ पे यूज होते हैं, हम आज ये देखेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन किस्म के हैं, ठीक है, यहाँ पे एंड और नॉट। ठीक है, तो एंड को हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, और को हम इस तरह से अच्छा डबल हम यूज करते हैं, ठीक है, डबल सिंबल यूज करते हैं हम एंड का, ठीक है, एम पर्सन का हम डबल सिंबल यूज करेंगे, इसी तरह और का भी हम ये डबल सिंबल यूज करेंगे, इसी तरह नॉट के लिए हम ये यूज करते हैं अपना एक्सक्लेमेशन साइन। ठीक है, तो अच्छा ज्यादातर जो यूज होते हैं हमारे पास एंड और यूज होते हैं, ठीक है, नॉट यूज नहीं होता, एंड और हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो समझ लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि इनका मकसद क्या है। अब जैसे आप लोगों ने टेस्ट परफॉर्म की है, ठीक है, तो आप लोगों को पता है ट्रू और फॉल्स क्या होता है, बूलियंस होते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हमने कहीं पे एंड यूज कर लिया, तो एंड का मतलब ये होता है कि दोनों साइड से आपकी अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी आपके पास ट्रू आएगा। तो एक काम करते हैं, हम साथ साथ प्रैक्टिकली इसको देख लेते हैं, आपका मजीद जो है ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये फोल्डर मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है वीएस कोड के अंदर। अब यहाँ पे हम फाइल बना लेते हैं मेट डॉट टीएस के नाम से। अच्छा मुझे आप लोग यहाँ पे चैट बॉक्स में बताएं, जो जो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं टर्मिनल के अंदर, जो जो हम फाइल्स बनाते हैं, अब यहाँ पे क्या करूँ, या मुझे चैट, या एक काम करें चलें कोई माइक ऑन करके मुझे बताए यहाँ पे कि अब हम टीएस कॉन्फ़िगरेशन की फाइल किस तरह बनाएंगे, पैकेट और जेसन की फाइल किस तरह बनाएंगे, ठीक है, उसको कंपाइल किस तरह करेंगे, तो कौन बताएगा मुझे यहाँ पे। सर, TS config की फाइल तो हम उसमें एक कमांड देते हैं कि TSC-init, उससे हम TS एक config की टी एस फाइल सी बनाते हाइफन हैं। हाइफन इनिट, ठीक है, जी गुड, चले हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन की फाइल आ गई। अब फिर हमारे उसके बाद पास जी जी नोड के मॉड्यूल वगैरह बनाते हैं। अच्छा हम काम करते हैं ना, एक यहाँ पे कंपाइल कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट की फाइल, उसके बाद पैकेज और जेसन की बनाते हैं, ताकि जिस नाम की हमारे पास जावास्क्रिप्ट की फाइल हो उसी नाम का पैकेज और जेसन उससे रिलेटेड बन जाए। तो मैं अगर यहाँ पे इस तरह करूँ टी एस सी और इसको मेन डॉट टी एस कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे पैकेज और जेसन सॉरी कंपाइल हो जाएगा, मेन डॉट टी एस, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फाइल बन जाएगी, आ गई। अब हम यहाँ पे जेसन फाइल बना लेते हैं, तो अब यहाँ पे जेसन फाइल की क्या कमांड सर, npm, मैं तो सिर्फ नोड मॉड्यूल की ही वो कमांड देती हूँ, और उसमें पैकेज डॉट जेसन की भी आ जाती है, आ जाती है, ठीक है, उससे भी आ जाती है, गुड, चले। लेकिन नोड उससे भी आ मॉड्यूल्स हम जाती यहाँ है। पे नहीं बनाते फिलहाल, ठीक है, नोड मॉड्यूल्स की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे फिलहाल ये दो ही फाइल, क्योंकि हम जो जो फाइल्स बनाएंगे ना पहले उनका मकसद समझेंगे फिर बनाएंगे। अब टी एस कॉन्फ़िगरेशन पैकेज और जेसन का मतलब हमने समझ लिया था और वो यहाँ पे यूज भी होंगी, तो इसलिए हम वो यहाँ पे बना लेते हैं। नोड मॉड्यूल्स की फिलहाल यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो हम फिलहाल वो नहीं बनाते, तो मैं यहाँ पे ओके पैकेज और सर, जेसन की बना लेता हूँ npm init इनिट हाइफन वाई, हाइफन वाई ठीक है, ओके गुड, थैंक यू फॉर टेलिंग मी। सो यहाँ पे हमारे पास पैकेज और जेसन की फाइल आ जाएगी, साथ साथ हम यहाँ पे वर्किंग अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे एक और चीज भी कर लेते हैं हम, यहाँ पे मैं इसको पहले तो क्लियर कर लेता हूँ, और चलें पहले कुछ लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू 10, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग के अंदर कंपैरिजन कर लेता हूँ, ठीक है, कंपैरेटिव ऑपरेटर यूज करके एक्स इज इक्वल टू 10 करता हूँ, तो अब मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा। अच्छा रिजल्ट के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं, तो मैं अगर इसको वॉच मोड में कर दूँ टी एस सी हाइफन स्पेस हाइफन डब्ल्यू, तो हमारे पास वॉच में मोड जो है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है, अब ये ऑटोमेटिकली जैसे ही मैं सेव करूंगा ये कंपाइल होता रहेगा मेरे पास। तो अब मैं यहाँ पे एक नया पावर शेल ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि नोड मैन डॉट जेस, तो मेरे पास वो प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है, ट्रू आ रहा है क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 10 है, तो ट्रू आएगा हमारे पास वैल्यू।
अच्छा यहाँ पे ये भी कमांड बताएं मुझे, कौन सी कमांड थी जिससे हम इसको ऑटो प्रिंट करवाते हैं, मतलब हम ऑटोमेटिकल मोड में आ जाते हैं जिसमें वो खुद ही प्रिंट होता जाता है। तो यहाँ पे मैं खुद ही कमांड लिख लेता हूँ, npx normal स्पेस, और हमारे पास जो फाइल होगी मैन डॉट जेएस, इस तरह की फाइल जो होगी मैन डॉट जेएस के अंदर जो भी चेंजेस आती रहेंगी उसके अंदर जो भी प्रिंट होता होना होगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें टू आ गया। तो अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि एंड जो है, सबसे पहले एंड को यूज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हेडिंग लगा लेता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, तो ये तो था हमारे पास एक। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पे लिखा है स्लाइड में, जो मेरे पास लिखा हुआ है वो कुछ इस तरह लिखा हुआ है, अगर इस साइड भी ट्रू हो और एंड के उस साइड भी ट्रू हो तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, दोनों साइड जब ट्रू होगा, एंड के दोनों साइड जब ट्रू होगा, एंड का मतलब ये है कि दोनों साइड ट्रू होगा तभी मैं आपको ट्रू रिजल्ट दूंगा, ये एंड हमें कहता है, एंड का रूल है ये। तो देखिए ये ट्रू दे रहा है। ठीक है, तो इसी को अगर मैं कॉपी कर लूं, एक साइड पे ट्रू रखूं दूसरे साइड पे फॉल्स कर दूं, भाई एंड कहता है कि अगर किसी एक साइड पे भी फॉल्स हुआ तो मैं फॉल्स रिजल्ट दे दूंगा। ठीक है, तो मैं ट्रू नहीं दूंगा, ट्रू सिर्फ एक ही हालत में दूंगा जब दोनों साइडों से ट्रू होगा। तो सेव करते हैं, तो देखें फॉल्स आ गया। ठीक है, इसी तरह मैंने एक और चीज लिखी थी, इसी को अगर मैं यहाँ पे करता फॉल्स इस साइड कर लेता, अच्छा साइड्स का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इस साइड फॉल्स कर लूं इस साइड ट्रू कर लूं तो भी वही बात होगी, दोनों साइडों से ट्रू नहीं है तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो फॉल्स ही आएगा। तो अगेन यहाँ पे फॉल्स आ गया। ठीक है, दो दफा फॉल्स आ गया। अच्छा अगेन मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, दोनों साइड से फॉल्स हो तो ऑब्वियस सी बात है फॉल्स ही देगा हमें, इस साइड भी फॉल्स है इस साइड भी फॉल्स है तो एंड में फॉल्स ही दे देगा। तो देखें यहाँ पे इन तीनों के वैल्यूज हमारे पास फॉल्स आ रहे हैं, सिर्फ एक का वैल्यू हमारे पास ट्रू आ रहा है। ठीक है, तो ये एंड का ये मतलब होता है। अब इसको अगर अप्लाई करके देखें हम अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे, जैसे मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 कर दिया और मैं यहाँ पे कहता हूँ लेट y इज इक्वल टू 20। ठीक है, और इस कंसोल को मैं फिलहाल यहाँ से हटा देता हूँ। अब आ जाते हैं कंपेरिजन पे आ जाते हैं, और इनको भी मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे अगर इस तरह लिखूँ, अब ये पहली वाली जो कंडीशन है ना, इस साइड भी ट्रू इस साइड भी ट्रू, ये बना के देख लेते हैं। तो मैं कहता हूँ x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमेशा याद करें कंपैरिजन में हमेशा हम ट्रिपल इक्वल टू देंगे। ठीक है, डबल भी दे सकते हैं, डबल जो है वो स्ट्रिक्ट नहीं होता, ट्रिपल जो है वो स्ट्रिक्ट होता है। अब ये चीज हम पढ़ चुके हैं डबल और ट्रिपल में क्या फर्क होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आप कहें तो, अच्छा जो हमारे पास न्यू है ना उनके लिए मैंने यहाँ पे ये मेरे पास चैनल खुला हुआ है, इसके अंदर हमने कंपेरिजन ऑपरेटर्स में ये डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स का डिफरेंस भी पढ़ा हुआ है, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एक्स इज इक्वल टू 10, तो ये तो मुझे ट्रू दे देगा, वाकई एक्स जो है वो 10 के बराबर है। अगर मैं यहाँ पे एंड करके दूसरा भी टेस्ट यहाँ पे लगा दूँ, दूसरा टेस्ट में क्या लगाऊँ, मैं वाई को भी टेस्ट करूँ कि क्या वाई बराबर है 20 के, तो वाई तो यहाँ पे 20 है। ठीक है, तो ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, तो एज अ होल कंसोल में हमारे पास रिजल्ट जो है वो ट्रू आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं वाई को टेस्ट में 20 के बजाय 10 कर लेता तो अब देखें ये फॉल्स हो गया, तो अब हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। तो ये एंड का मतलब अगर आप लोगों को समझ आ गया है तो चैट बॉक्स में मुझे क्लियर लिखें, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप सवाल कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह हम जो है वो इनको कंपेयर करते हैं। अच्छा, इनका जो यूज होता है ना, मोस्टली यूज होता है इनका कंडीशनल स्टेटमेंट्स में, जो कि हम आज पढ़ने वाले। सबसे पहले हम लॉजिकल ऑपरेटर्स क्लियर करेंगे, उसके बाद हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे आएंगे। तो ये तो हो गया हमारा एक एग्जांपल। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ये लिखता, चलें इसको हम रहने देते हैं, मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में आ जाता हूँ। क्लियर क्लियर, चलें मैं चैट बॉक्स भी देख लेता हूँ। क्लियर, गुड, दैट्स गुड, चलें। अच्छा मैं एक और यहाँ पे एग्जांपल बना रहा था, मैं कहता हूँ कंपेयर करता हूँ, एक्स इज लेस देन 15
एंड वाई इज ग्रेटर देन 15। तो अब इस साइड हमारे पास एक्स इज लेस देन 15, तो एक्स 10 है तो जाहिर सी बात है ये भी ट्रू होगा हमारा। वाई का वैल्यू 20 है तो वाई इज ग्रेटर देन 15 लिखा है मैंने यहाँ पे, तो क्या ये ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है, वाई ग्रेटर देन 15 है, 20 ग्रेटर देन 15 होता है, तो इसका भी एज अ होल कंसोल का हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ट्रू आ गया हमारे पास। तो इस तरह आप लोगों का उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। टर्नरी ऑपरेटर हम अभी नहीं देखेंगे, ठीक है? टर्नरी ऑपरेटर के लिए पहले कंडीशनल स्टेटमेंट्स आप समझ लें, तो उसके बाद हम जो है ना वो देखेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूं समझे शॉर्ट फॉर्म है, टर्नरी ऑपरेटर्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स का शॉर्ट फॉर्म होता है। तो पहले आप फुल फॉर्म समझ लें, उसके बाद इंशाल्लाह हम शॉर्ट फॉर्म भी समझ लेंगे। तो चलें, ये तो ऑलमोस्ट आप लोगों का क्लियर हो गया है, तो इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, ठीक है? इसको भी मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम एक नई हेडिंग बना लेते हैं, और ठीक है, और ऑपरेटर। तो और के लिए मैं यहाँ पे कहता हूँ कुछ वेरिएबल्स बना लेता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे लेट बी इज इक्वल टू 20 कर लेते हैं। अच्छा जी, अब इसको हम किस तरह करते हैं? अब वही वाला अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूँ, जैसे मिसाल के तौर पे इस साइड भी ट्रू रखूँ और मैं कहता हूँ और ट्रू, ठीक है? अब इसका मतलब क्या है कि ट्रू हो या ट्रू हो, मतलब ये ट्रू हो या ये ट्रू हो, दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा। अब इसका क्या मतलब है, या और माना या, तो या ये ट्रू हो या ये ट्रू हो, दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा तो हमें जवाब मिलेगा ट्रू के अंदर। तो दोनों ट्रू हैं तो हमें ट्रू मिल रहा है, तो अगर एक अगर फॉल्स भी कर लूँ मैं तो क्या फर्क पड़ेगा यहाँ पे? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ही यही है कि या ये ट्रू हो या ये ट्रू हो, ठीक है? तो ये ट्रू तो है, ये चाहे फॉल्स हो ये तो ट्रू है ना हमारे पास, तो हमारे पास रिजल्ट ट्रू ही आएगा। तो देखें दोनों ट्रू आ गए। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इनको आगे पीछे कर दूँ, जहाँ पे मैं ट्रू कर दूँ और यहाँ पे फॉल्स कर दूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? अभी भी हमें ट्रू ही देगा क्योंकि एक्स साइड, किसी भी एक्स साइड ट्रू होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं दोनों साइड फॉल्स कर दूँ, आप बताएं चैट बॉक्स में मुझे यहाँ पे क्या आएगा? दोनों साइड्स मैंने फॉल्स कर दिए, अब ये कहता है इस साइड ट्रू हो या इस साइड ट्रू हो। अब इस साइड भी फॉल्स है, इस साइड भी फॉल्स है, तो हमें रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। चैट बॉक्स देख लेते हैं, बिल्कुल ठीक, ग्रेट, वेल डन, बहुत अच्छा। चलो इसको सेव करते हैं, तो हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास एंड और की ऑपरेटर्स हो गए, ठीक है? ये भी उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गए होंगे। तो इन पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, जो जो मैंने ऊपर वेरिएबल्स बनाए, तो ये वेरिएबल्स बोर हो रहे हैं, ये कह रहे हैं हमें भी यूज कर लो, तो इनको भी यूज कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म लॉग होता है, तो लॉग करके एंटर करूंगा तो कंसोल डॉट लॉग आ जाएगा। और इसके अंदर अगर मैं कहूँ ए इक्वल्स टू 10 और बी इक्वल्स टू 12, ठीक है? अब ये तो मैंने ट्रू लिखा है, ये तो ट्रू है, ठीक है? ए वाकई 10 के बराबर है, लेकिन बी जो है वो, अच्छा यहाँ पे ट्रिपल इक्वल्स, बी जो है मैंने लिखा है 12, लेकिन ये मैंने गलत लिखा है, गलत टेस्ट कर रहा हूँ, बी का ओरिजिनल वैल्यू है 20, ठीक है? तो ये फॉल्स है, तो एक साइड तो ट्रू है, तो हमें तो रिजल्ट ट्रू ही मिलेगा। देख लेते हैं, ये हमारे पास ट्रू आ गया, ठीक है? इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखता 20 तो दोनों साइड ट्रू हो जाता, तो भी हमें ट्रू ही मिलता, ठीक है? लेकिन अगर दोनों साइड्स में फॉल्स कर देता, इस साइड में कर लेता हूँ 11 और इस साइड में कर लेता हूँ 1, चलो दोनों साइड फॉल्स हो गया, तो एक साइड भी ट्रू नहीं है, तो और भी हमें जो है वो फॉल्स दे देगा, ठीक है? तो और ने कहा कि भाई आपने कंसोल डॉट लॉग क्या करने से खुद आता है, तो मैं ये बता रहा था कि लॉग, तो मेरी लैंग्वेज ही चेंज हो गई यहाँ पे, अब इसको कैसे सही करना है, चले यहां से कर देते हैं। लॉग लिख के आप एंटर करेंगे तो कंसोल डॉट लॉग आ जाएगा, ठीक है? ये बता रहा था। तो यहां तक क्लियर है, और भी क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है? तो चैट बॉक्स में यस लिख लीजिएगा। उसके बाद हम नॉट देख लेते हैं, उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे आ जाते हैं। तो आ जाते हैं, चैट बॉक्स देख लेते हैं भाई, यस यस क्लियर, वेल डन, माशाल्लाह, वेरी गुड।
चलें जी, अब आते हैं हमारे पास जो तीसरा है, ये नॉट बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है, बस ये समझ लें। जैसे मिसाल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ कि ट्रू, जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रू इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। तो क्या टू टू के बराबर है? तो टू के बराबर ही है, तो हमारे पास क्या आएगा? टू आ गया। लेकिन मैं यहाँ पे ये वाला सिंबल लगा दूं तो ये नॉट ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों एरर दे रहा है? दिस कंपेरिजन अपियर्स टू बी अनइंटेंशनल बिकॉज टाइप फॉल्स एंड ट्रू हैव नो। अच्छा जी, देखें यहाँ पे हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट यहीं पे एरर दे देता है, क्योंकि ये इसके बराबर ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ही एरर दे दिया इसने। और जावा स्क्रिप्ट में क्या होता था हमारे पास, यहाँ पे कोई भी टाइपिंग के टाइम पे कोई भी एरर नहीं आता था। देखिए कोई एरर नहीं आ रहा यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ चले, ताकि वहां पे भी नॉट आ जाए, तो देखते हैं वहां पे हमारे पास कोई एरर शो नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें चल भी रहा है, तो नॉट ट्रू, तो ये साइन लगाने से क्या हो गया? नॉट ट्रू हो गया, तो इसलिए हम इसको कहते हैं नॉट, ठीक है। नॉट साइन कहते हैं इसको। नॉट ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, तो नॉट ट्रू इज इक्वल टू ट्रू तो नहीं होगा। नॉट ट्रू किसके बराबर होता है? फॉल्स के। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ट्रू की जगह, चले नई लाइन पे आ जाता हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ पे ट्रू की जगह फॉल्स लिख दूंगा, तो देखें यहाँ से भी एरर हट गया, हमारा एरर भी हट गया। और जैसे ही मैं सेव करूंगा तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? अब ये नॉट ट्रू है, नॉट ट्रू मतलब फॉल्स होता है, इस साइड भी फॉल्स है, तो दोनों साइड फॉल्स है, तो इसका मतलब ये कि हमारे पास ये जो मैंने कंपेरिजन किया वो सही किया है, तो हमें ट्रू दे देगा, ठीक है, ट्रू दे रहा है। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का? तो ये चैट बॉक्स में क्लियर लिखे हैं, तो ये नॉट का बस थोड़ा सा होता है। अच्छा नॉट आप लोगों को पता है हम नॉट दूसरा कहाँ यूज करते हैं? जैसे मिसाल के तौर पे मैंने एक वैल्यू बनाया है ए इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो अगर मैं ए इज इक्वल टू 10 कंपेयर करूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? इसको मैं फिलहाल कमेंट आउट कर देता हूँ, रिजल्ट टू आएगा, टू आ गया। तो जब नॉट इक्वल टू करना होता है तो क्या लगाते हैं? यही वाला सिंबल लगाते हैं ना, एक इक्वल हटा के इक्वल की जगह नॉट कर लेते हैं। अब इसका मतलब है ए इज नॉट इक्वल टू 10, तो ए तो 10 के बराबर है, इसका मतलब है ये मैंने गलत लिखा है, तो मेरे पास फॉल्स आ जाएगा, आंसर फॉल्स आ गया, ठीक है। तो नॉट का मतलब ये होता है। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, चैट बॉक्स देख लेते हैं। क्लियर क्लियर, गुड सर। टीएस कॉन्फ़िगरेशन के फाइल से भी वॉच मोड ओपन होता है, तो वो तो मैंने बताया तो था, वो टीएस कॉन्फ़िगरेशन में किस तरह करते हैं, ठीक है। टीएस कॉन्फ़िगरेशन से नहीं, वो यहाँ से हमने किया था, ठीक है। अब वो तरीका देख लीजिएगा, वो इसी वीडियो के अंदर है, टीएस कॉन्फ़िगरेशन वाली जो वीडियो है हमारी, प्रैक्टिस सेशन नंबर 3, उसके अंदर मैंने बताया था, ठीक है। बहुत ही ईजी है, देख लीजिएगा, वो समझ आ जाएगा। अच्छा अब आते हैं हम, अच्छा यहाँ तक क्लियर है, देख लेते हैं जी। क्लियर क्लियर, गुड चलें जी। अच्छा तो ये हमारे पास हो गए 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो तीनों हमने समझ लिए। अच्छा अब आते हैं हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स में क्या है? एक होता है इफ स्टेटमेंट, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ एंड एल्स, ठीक है। तो अब ये किस तरह यूज होते हैं भाई, ये क्या होते हैं? अब जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को थोड़ी सी हिंट दे दी थी कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। कंडीशनल स्टेटमेंट बेसिकली यूं कह लें, अगर इसको उर्दू में हम कहें कि मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ, अगर एक बंदा 18, एक बंदे की एज है 18 ईयर्स, ठीक है। तो या एक रूल बना लेते हैं कि अगर हमारे मुल्क में किसी बंदे की एज 18 हो गई तो वो वोट दे सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशन बन गई, एक मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट बना दी। इसको अंग्रेजी में मैं कैसे कहूँगा? इफ, इफ यूज करूंगा ना, इफ अ पर्सन इज ग्रेटर देन, इफ अ पर्सन एज इज ग्रेटर देन 18 तो ही कैन वोट, ठीक है। तो ये इफ स्टेटमेंट इस तरह होता है। तो इसको मैं अगर प्रैक्टिकली लिखूं, तो प्रैक्टिकली मैं किस तरह लिखूंगा इसको, केस कोड में आ जाते हैं। अच्छा ये तो हो गए हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो यहाँ पे काम करते हैं, चले इनको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, इनके नीचे कर लेता हूँ।
मैं डॉट जेएस फाइल के अंदर हूँ क्या? यहाँ पे आ जाते हैं, इसको कमेंट आउट कर लिया, इसको भी कमेंट आउट कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। चलो जी, गुड। तो अब आ जाते हैं हम यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स की हेडिंग लगा लेते हैं। कहता हूँ लेट पर्सन एज, पर्सन एज कर लेते हैं, ठीक है। लेट पर्सन एज इज इक्वल टू 18, लेट से इसको 20 कर लेते हैं। और मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिख लेता हूँ। अच्छा, कंडीशन स्टेटमेंट लिखने का एक जो सेंटेक्स होता है वो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है, किस तरह लिखते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकली देख लेते हैं। इफ के बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट देंगे, पैरेंथेसिस देंगे, ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स कहते हैं इनको, पैरेंथेसिस। अच्छा, यहाँ पे स्पेस दें नहीं दें कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे स्पेस का जावा स्क्रिप्ट के अंदर मसला नहीं होता, ये पाइथन के अंदर मसला होता है। जावा स्क्रिप्ट के अंदर केस सेंसिटिवनेस का मसला होता है। जैसे इफ का अगर एफ कैपिटल कर दिया मैंने गलती से तो ये काम नहीं करेगा, या आई कैपिटल कर दिया, ठीक है, तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन स्पेस का यहाँ पे कोई भी मसला नहीं होता, आप जितना चाहे स्पेस दे दें, लेकिन हम मुनासिब स्पेस दे देंगे। इसको जो है वो कराची से लाहौर नहीं भेज देंगे, इसको हम थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, ठीक है। और मैं इसके ब्रैकेट के अंदर अपना कंडीशन लिखूंगा, ठीक है। मैं कंडीशन क्या लिखना चाह रहा हूँ, अब यहाँ पे देखें कंपैरिजन ऑपरेटर यूज होता है ब्रैकेट के अंदर। कंडीशन में ये लिखता हूँ कि अगर पर्सन एज इज ग्रेटर देन व्हाट, 18, ठीक है। उसके बाद कंडीशन देने के बाद पैरेंथेसिस जहाँ पे खत्म होती है वहां पे हम कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे। इसको हम कहते हैं ब्लॉक, ठीक है। इसके अंदर हम जो भी लिखते हैं वो कहते हैं ब्लॉक के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम एंटर करेंगे तो ये हमारे पास नई लाइन आ जाएगी, इस लाइन के अंदर हम अपने स्टेटमेंट्स लिखेंगे। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर स्ट्रिंग डालूँ के ही कैन वोट, तो अब इसको समझें, अगर पर्सन एज 18 से ऊपर हुई तो ही कैन वोट, हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा ही कैन वोट, ठीक है। तो अब हमारे पास पर्सन एज 20 है तो क्या ये हमारे पास ट्रू होगा? अब ये यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ही हमारे पास ये प्रिंट होगा, ब्लॉक स्टेटमेंट के अंदर तो ही जाएगा। तो इसको अगर मैं सेव कर लूँ तो देखिए हमारे पास ही कैन वोट आ गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पर्सन एज थी 20, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 20 के बजाय 10 कर लेता तो हमारे पास क्या आता, क्या ये हमारे पास प्रिंट हो गया था? सेव कर लेते हैं तो देखें कुछ भी नहीं आ रहा हमारे पास। तो इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो इस ब्लॉक स्टेटमेंट के अंदर जाएगा ही नहीं और बाहर आ जाएगा। तो अगर मिसाल के तौर पर बाहर मैंने कुछ लिखा होता है यहाँ पे कि दी एंड, ठीक है, दी एंड सेव कर लेता हूँ तो देखें कुछ भी नहीं देगा और बाहर आके दी एंड आ गया, ठीक है। तो ये होता है इफ स्टेटमेंट, ठीक है। इसी तरह आप एक और बना लें, लेट टेम्परेचर, टेम्परेचर का एग्जांपल ले लेते हैं, लेट टेम्परेचर इज इक्वल टू 20। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 30 तो मुझे बताओ कंसोल के अंदर, कंसोल डॉग वेदर इज, और अगर टेम्परेचर 30 से ऊपर हो तो मुझे बताओ द वेदर इज हॉट। तो यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर का वैल्यू 20 है तो 30 से तो ऊपर नहीं है, इसका मतलब ये कि हमारे पास ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो ये हमारे पास प्रिंट ही नहीं होगा, मतलब वेदर हॉट नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा और द एंड कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है, इसको मैं अभी हटा देता हूँ। तो हम सेव कर लेते हैं, देखिए कुछ भी नहीं आएगा हमारे पास। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास टेम्परेचर ग्रेटर देन 30 हो तो ही हमें बताएगा द वेदर इज हॉट, ठीक है। अच्छा, अब आता है यहाँ पे कि ये तो चले टेम्परेचर ग्रेटर देन 30 हो तो हमें ये बता दे, लेकिन अगर टेम्परेचर लेस देन 30 हो तो भी मैं चाहता हूँ कुछ मुझे बताए, तो वो भी स्टेट कंडीशनल स्टेटमेंट्स का एक पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं एल्स। मतलब अगर ये ना हो तो क्या हो, तो अगर मगर वाली बात है, ठीक है। इफ अगर हमारा अगर है तो ये मगर हो जाएगा, ठीक है, अगर ये ना हो तो ये हो, ठीक है। एल्स, तो एल्स में क्या बताए मुझे, मैं कहता हूँ अच्छा एल्स किस तरह लिखते हैं ये भी देख लें। जहां पे हमारा इफ का ब्लॉक स्टेटमेंट खत्म होता है, ब्लॉक कर्ली ब्रैकेट खत्म होता है,
आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं ठीक है, और नीचे आके न्यू लाइन पे भी लिख सकते हैं ठीक है, एल्स। और उसके बाद हम यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह कर्ली ब्रेकेट स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा, एल्स में कोई कंडीशन नहीं देनी हमें, बस एल्स का मतलब ये कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो खुद ब खुद एल्स पे आ जाएगा ठीक है, एल्स में हम दूसरी कंडीशन नहीं बताएंगे। तो एल्स को जो कॉमन प्रैक्टिस हम यूज करते हैं वो ऊपर ही लिख लेते हैं, जहाँ पे हमारा कर्ली ब्रेकेट बंद होता है एफ का, वहीं से हम स्टार्ट कर लेते हैं एल्स को ठीक है। और यहाँ पे आके हम इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो भाई अगर ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो जाए तो मुझे बताओ कि वेदर हॉट नहीं है तो क्या होगी, द वेदर इज कूल ठीक है या कोल्ड। तो अब इसको सेव करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास ठीक है, टेम्परेचर तो 30 के ऊपर नहीं है तो वेदर इज हॉट तो नहीं आएगा, तो क्या आएगा, द वेदर इज कोल्ड आ जाएगा। देखिए वेदर इज कोल्ड आ गया ठीक है। तो ये समझ आ गया इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ भी समझ आ गया होगा, एल्स भी समझ आ गया होगा उम्मीद है। इफ देर इज एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क, इफ देर इज नो कन्फ्यूजन यू कैन टेल मी इन चैट बॉक्स दैट एवरीथिंग इज क्लियर ठीक है। तो मैंने भी देखे यहाँ पे इफ की कंडीशन यूज करके आपसे पूछ लिया कि अगर क्लियर है तो भाई बताएं, क्लियर लिख लें, अगर सवाल है तो आप माइक ऑन करके सवाल कर सकते हैं। एवरीथिंग इज क्लियर, गुड, वेल डन, चलें। अच्छा जी, तो ये तो हो गया हमारे पास एल्स। अच्छा, एल्स की मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ एल्स स्टेटमेंट, मैं यहाँ पे क्या लगाऊँ एल्स, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अगर ये वाली कंडीशन मतलब पर्सन एज अगर 18 के ऊपर हो तो भाई ही कैन वोट, अगर 18 के ऊपर नहीं हो तो एल्स में आके मैं कहूँगा कैन नॉट वोट ठीक है, यू कैन नॉट वोट। या वोट नहीं दे सकते, घर बैठ जाए, चुप कर दे। तो इसको सेव कर लेते हैं, तो हमारे पास आ गया कि भाई यू कैन नॉट वेट, घर बैठ जाए ठीक है। तो अगर मैं एज यहाँ पे 19 कर दूं, अब ये 19 वाला बंदा तो वोट कर सकता है, ही कैन वोट ठीक है। तो ये हो गया एल्स हमारे पास, तो बहुत ही इजी था आई थिंक एल्स, इफ एल्स ठीक है। तो ये मैंने एल्स का भी बता दिया आपको, ये देखें वही वाला एग्जाम्पल यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब आते हैं तीसरे पे, एल्स इफ स्टेटमेंट ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इफ एल्स इफ और एल्स। अब एल्स इफ क्या होता है, चैट बॉक्स सर नेस्टेड इफ भी बताइएगा, और एल्स इफ और एल्स इफ और नेस्टेड, नहीं नेस्टेड का इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है। नेस्टेड वो होता है जैसे एक चीज के अंदर आपने दूसरी चीज स्टार्ट कर ली, नहीं ठीक है, तो वो नेस्टेड होता है, जैसे इफ के अंदर एक दूसरा इफ यूज कर लिया। तो वो भी देख लेते हैं, पहले हम ये स्ट्रेट जो है कंडीशनल स्टेटमेंट समझ लें, उसके बाद इंशाल्लाह वो भी देख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया ठीक है। अब आते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होता है ठीक है, तो यहाँ पे ही देख लेते हैं। देखिए जैसे टेम्परेचर का एग्जांपल लिया था मैंने, मैंने कहा अगर टेम्परेचर 24 से कम हो तो मुझे बताओ कि वेदर इज कूल ठीक है। अब ये अलर्ट लिख दिया मैंने गलती से, अलर्ट बेसिकली जावा स्क्रिप्ट के अंदर देखते हैं, तो इसको मैं कंसोल के अंदर लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे और यहाँ पे भी कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ, कॉपी किया पेस्ट किया, कर लेते हैं सेव। अगर टेम्परेचर 24 से कम हो तो वेदर इज कूल बता दे, उसके बाद एल्स आ रहा था ठीक है, एल्स आ रहा था, लेकिन बीच में अगर एक और कंडीशन मुझे डालनी है तो क्या करूंगा, तो मैं दोबारा से इफ यूज नहीं करूंगा। याद रखिएगा इफ हमेशा एक ही मरतबा यूज होता है आपके पूरे स्टेटमेंट में, ये आपका पूरा स्टेटमेंट है उसके अंदर इफ एक ही दफा यूज होगा, और जो एल्स है वो भी एक ही दफा यूज होगा, जो कि हम अभी पढ़ के आए हैं फॉर एल्स। बीच में आप एक और यूज कर सकते हैं एल्स इफ के नाम से, ये देखते हैं किस तरह काम करता है। तो यहाँ पे आते हैं, एक काम करते हैं, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इनको हम कमेंट आउट भी कर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा लेट टेम्परेचर इज इक्वल टू 20 ठीक है,
तो अब मैं कहता हूँ अगर टेम्परेचर 30 से ऊपर हो तो कंसोल डॉट वेदर इज हॉट बता दो, ठीक है, एल्स द वेदर इज कूल, वेदर इज कोल्ड, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ मैं एक और कंडीशन लगाऊं कि टेम्परेचर 30 से ऊपर हो तो वेदर इज हॉट बता दे, मैं कहता हूँ एक कंडीशन ऐसी भी हो जिसमें बताए वेदर इज वेरी हॉट, मतलब बहुत गर्मी है भाई, एक तो होता है गर्मी है, दूसरा बहुत गर्मी। तो यहाँ पे कहते हैं एल्स इफ, एल्स इफ इस तरह से यूज करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने एल्स यूज किया था, जहां पे हमारा ब्लॉक खत्म होता है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे मैं कंडीशन लगा दूंगा। अच्छा वैसे ही बिल्कुल सिमिलर होता है सेंटेक्स जैसे इफ का था, कैसे होता है इफ के बाद आपके कर्ली सॉरी राउंड ब्रैकेट्स आ जाएंगे पेरेंथेसिस, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप स्टेटमेंट लिखेंगे, बस फर्क सिर्फ ये होता है कि इफ की जगह हम एल्स इफ लिखेंगे, ठीक है, और ब्रैकेट देंगे। अब ब्रैकेट के अंदर मैं एक और तीसरी कंडीशन लगा लेता हूँ, इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 40 तो मुझे बताओ कि भाई द वेदर इज वेरी हॉट, वेदर इज वेरी हॉट, बेटर स्टे एट होम, भाई गर्मी इतनी है कि आप बेहतर है कि घर पे रहें एहतियातन, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है, ये एल्स इफ आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया, उसके बाद एल्स आ रहा है, ठीक है। अच्छा एल्स इफ आप हमेशा सेंटर में बीच में लगाते हैं, ठीक है, इफ के बाद यूज करते हैं, इस तरह एल्स इफ आप बहुत सारे यूज कर सकते हैं। अब मैंने तो यहाँ पे एक ही यूज किया है, ठीक है, जिसको सेव कर लेते हैं और हमारा रिजल्ट हम यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, द वेदर इज वेरी कोल्ड आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर 20 है, तो किस में फॉल कर रहा है टेम्परेचर, एल्स में जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 31 कर दूं तो किस में फॉल करेगी, हमारी कंडीशन ट्रू होगी, इफ वाले स्टेटमेंट में कंडीशन ट्रू होगी और हमारे पास क्या प्रिंट होगा, द वेदर इज हॉट, ठीक है, सेव कर लेते हैं तो हमारे पास आ गया द वेदर इज हॉट। इसी तरह अगर 31 के बजाय मैं यहाँ पे 42 कर दूं, अब 42 वाला किस कंडीशन में किस स्टेटमेंट में फॉल करेगा, एल्स इफ के स्टेटमेंट में, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ से 40 से ऊपर हो गया तो अब इस कंडीशन में आ जाएगा और हमारे पास क्या प्रिंट होके आएगा, सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास इस तरह क्यों आ रहा है भाई, द वेदर इज हॉट आ रहा है, अभी भी द वेदर इज हॉट आ रहा है, अब इसकी वजह क्या है। अब यहाँ पे ये भी देखें, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है कि जहाँ पे हो क्या रहा है, बाज दफा ये भी हमारे साथ प्रोसेस हो रहा होता है, मिस्टेक्स हो रही होती है, समझ नहीं आ रहा होता। अब टेम्परेचर का वैल्यू है 42, अब मैंने एल्स इफ में तो लिखा हुआ है कि अगर 40 से ग्रेटर हो तो ये बताया हमें, लेकिन इससे ऊपर एक और चीज लिखी हुई है, ये भी देखना है हमें, ये क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर अगर 30 से ऊपर हो तो भाई इस कंडीशन में फॉल कर लो, आगे वो जाएगा ही नहीं, तो 30 से ऊपर तो वो है तो इसका मतलब है ये इसी में फॉल करेगा, तो आगे तो जाएगा ही नहीं, आगे उसको पता ही नहीं है क्या है, तो इसलिए यहाँ पे अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन आ रही हो और आप एंड ऑपरेटर्स यूज नहीं कर रहे, लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हमने आज पढ़े हैं ये वाले ऑपरेटर्स, ठीक है, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, तो उनके अलावा हम किस तरह इनको सही कर सकते हैं, बस करना ये होगा कि सबसे पहले हमें मैक्सिमम वाली कंडीशन लगानी होगी, ठीक है, मैं कहूंगा इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 40 और एल्स इफ में वे 30 वाली लगा दूंगा, ठीक है। इसी तरह मैं स्टेटमेंट को भी स्विच कर लूंगा, इसको ऊपर ले जाऊंगा, ठीक है, और इस स्टेटमेंट को मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है। अब ये चीज समझिएगा, ठीक है, ये कोई मुश्किल नहीं है, मैंने क्या किया, टेम्परेचर अगर 40 से ऊपर हो तो इसमें फॉल करे, ठीक है, अब ये जैसे ही 40 से ऊपर होगा तो इसमें आ जाएगा, ठीक है, अब 40 से ऊपर नहीं होगा, लेट से अगर 32 है तो अब कहाँ पे आएगा, अब इसमें फॉल नहीं करेगा तो अब ये जो है ना वो ये अपना रास्ता ढूंढेगा कि भाई मैं कहाँ जाऊँ, तो जब यहाँ पे आके देखेगा तो क्या मैं इसके अंदर इस ब्लॉक के अंदर जा सकता हूँ, तो वो देखेगा कि टेम्परेचर ग्रेटर देन 30 होगा तो ही जा सकता है, तो ग्रेटर देन 30 तो है, 32 है तो वो यहाँ पे आ जाएगा और इसके बाद ये आगे जाएगा ही नहीं, इसको पता ही नहीं होगा आगे क्या है। अगर ये 30 से ग्रेटर भी ना हो, 22 होता यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या करता, इससे भी आगे निकल जाता और फिर अगेन एक नया रास्ता देखता कि भाई भाई मैं अब कहाँ जाऊँ, तो एल्स का मतलब ये होता है कि अगर ऊपर वाली किसी भी कंडीशन में फॉल ना करे तो फिर वो एल्स में आ जाए, ठीक है, फिर चाहे वो 22 हो, 2 हो या माइनस में हो,
ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, एल्स में आ जाएगा। तो मैंने माइनस कर दिया है, तो अब भी देखें हमारे पास एल्स वाली रिजल्ट आएगी, द वेदर इज कोल्ड। ठीक है, तो ये यहाँ तक आप लोगों का आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक काम करता हूँ, वन बाय वन सब में प्रिंट करके दिखा देता हूँ, 41 कर लेता हूँ। तो अब हमारा इसमें फॉल करेगा और हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, सेव किया, द वेदर इज वेरी हॉट, बेटर स्टे होम। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 31 कर लेता तो इसमें फॉल करेगा और द वेदर इज हॉट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसी तरह मैंने कोल्ड वाला भी आप लोग को दिखा दिया किस तरह होगा। तो यहाँ तक सब चीज क्लियर है, इफ एल्स इफ ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अच्छा, एक और मुझे कंडीशन लगानी है एल्स इफ की। लेट से मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये एल्स इफ खत्म होता है, यहाँ पे खत्म हो रहा है ना, तो मैं यहाँ पे एंटर करके वापस यहाँ पे आके मैं एक और एल्स इफ लगा दूँ। अब याद रखिए एल्स इफ बीच में आप जितने चाहें लगा लो, ठीक है, जितने चाहें लगा ले, कोई मसला नहीं है। अब मैं यहाँ पे एल्स इफ एक और क्या लगाता हूँ, मैं कहता हूँ अगर टेम्परेचर ग्रेटर हो, लेट से 10 के, 10 से ग्रेटर हो, तो मुझे कंसोल में बताओ कि द वेदर इज, में लिख लेते हैं इसको द वेदर इज कोल्ड। चले इसको कोल्ड कर लेते हैं और इसको वेरी कोल्ड कर लेते हैं, वेदर इज वेरी कोल्ड, उससे भी कम होगा तो फिर इसमें आ जाएगा। तो अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं 12 कर लेता हूँ, तो 12 इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे आके इस तरफ आ जाएगा 12। ठीक है, सेव कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये वाला स्टेटमेंट आ गया था वेदर इज कोल्ड। अच्छा, चैट बॉक्स में बताएं यहाँ तक सब क्लियर है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन कर लीजिएगा। अच्छा, टाइप स्क्रिप्ट सर में प्रॉम्प्ट और अलर्ट यूज नहीं होता, प्रॉम्प्ट यूज होता सर है लेकिन, जी जी एक मिनट, प्रॉम्प्ट यूज होता है टाइप स्क्रिप्ट में लेकिन उसका तरीका डिफरेंट है, वो अभी हम आने वाली क्लासेस में इंशाल्लाह सीखेंगे। अलर्ट यूज नहीं होता, अलर्ट हम वेब पेज पे ही जाके यूज करेंगे। जी बोलें। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये इफ हैज स्टेटमेंट में ग्रेटर देन से ही हमने वेरिएबल बनाने नहीं हैं नहीं या नहीं हम लेस देन से नहीं बना सकते? जी, मैं वही बता रहा हूँ, आप यहाँ पे कोई भी लॉजिकल, इनको हम क्या कहते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर यहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं ग्रेटर हो, यहाँ पे इक्वल्स को भी आप जो है ना वो ट्राई कर सकते हैं, तो इक्वल्स जब होगा तभी उसमें फॉल करेगा। ठीक है, तो क्लियर ठीक है क्लियर सर, क्लियर, चैट बॉक्स देख लेते हैं, क्लियर, चलें सबको क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे हम ये जो हमने आज पढ़े हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, वो कैसे यूज करते हैं इसमें, एक हम ये स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, ये चीज भी देख लेते हैं। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ कमेंट आउट, यहाँ पे एक नया काम कर लेते हैं। जहाँ पे हम एक काम करते हैं, लेट कौन सा हम यहाँ पे एग्जांपल लें, लैपटॉप का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ लेट रैम इज इक्वल टू 8 GB। ठीक है, लेट रैम इज इक्वल टू 8 कर लेते हैं इसको, या 8 इसको स्ट्रिंग में लिख लेते हैं, चलो 8 GB कर लेते हैं इसको। लेट और क्या होता है भाई, जनरेशन, जनरेशन इज इक्वल भी कर लेते हैं 6 बना लेते हैं वेरिएबल। हमारे पास क्या होता है भाई, प्रोसेसर या स्टोरेज कर लेते हैं इसको, स्टोरेज वर्ड हमारे पास स्टोरेज है 256 GB SSD। ठीक है, यहाँ पे तीन वेरिएबल बना दिए, अब तीनों में स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग मैंने इसलिए रखा है क्योंकि अगर नंबर रखता तो फिर उसके साथ अल्फाबेट नहीं आता, तो इसलिए हमने इसको स्ट्रिंग में कर लिया। अब यहाँ पे फोकस बस आप लोगों का कंडीशन स्टेटमेंट्स पे होना चाहिए। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे लैपटॉप चाहिए लेकिन उसकी मैंने कुछ कंडीशन रख दी, तो लेट से मैंने कंडीशन क्या रखी है, सबसे पहले मैंने एक कंडीशन रख दी कि भाई अगर रैम बराबर हो 8 GB के, यही सवाल अभी आया था हमारे पास कि हम क्या इक्वल्स भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल इक्वल्स भी इसी तरह यूज कर सकते हैं, अगर रैम बराबर हो 8 GB के
मुझे लैपटॉप चाहिए, ठीक है, आई कैन बाय दिस, या चले आई कैन बाय दिस लैपटॉप, ठीक है, आई कैन बाय दिस लैपटॉप, एल्स एल्स मैं कहता हूँ, एल्स मैं कहता हूँ कि भाई आई कैन नॉट बाय दिस लैपटॉप। अगर 8 GB रैम नहीं है उसकी, ज्यादा है या कम है, आई कैन नॉट बाय, सेव कर लेते हैं। तो आई कैन बाय दिस लैपटॉप क्योंकि उसकी जो रैम है वो 8 GB है, ठीक है, तो आई कैन बाय दिस लैपटॉप। लेकिन यहाँ पर अब मैं आ रहा हूँ लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करने पे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बीच में एंड लगा के एक और कंडीशन लगा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ भाई रैम तो 8 GB हो, लेकिन उसका स्टोरेज जो है वो भी 256 GB होना चाहिए, 256 GB होना चाहिए, तो ही मैं लैपटॉप लूंगा, ठीक है, अदरवाइज आई कैन नॉट बाय द लैपटॉप। तो ये देखें वही सिचुएशन है जो हमने ऊपर देखी थी। अब एंड की दोनों साइडों से जब ट्रू होगा तभी आपका ये जो काम होगा ये इस ब्लॉक के अंदर आएगा और ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। अगर ये किसी ये दोनों साइडों से कोई भी एक अगर फॉल्स हो गई तो ये स्टेटमेंट में नहीं आएगा। अब इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। अब देखें दोनों इस वक्त ट्रू हैं, ठीक है, ऊपर देखें रैम 8 GB है, स्टोरेज 256 GB है, तो मुझे चाहिए भी यही, तो सेव कर लेते हैं। तो देखें आई कैन बाय दिस लैपटॉप, लेकिन जैसे ही मैं ऊपर शॉप के पास, अब ये चीजें शॉप वाले के पास है, तो शॉप वाले के पास 256 GB नहीं है, लेट से उसके पास है 128 GB। अब देखें 128 GB उसके पास, लेकिन मुझे कौन सा चाहिए, 256 GB चाहिए, और ये भी हो ये भी हो, तो दोनों साइडों से जब ट्रू हो, अब एक साइड फॉल्स हो गई हमारी, सेव कर लेते हैं। तो देखें आई कैन नॉट बाय दिस लैपटॉप आ गया, आई कैन नॉट बाय दिस लैपटॉप। तो ये होता है एंड का चक्कर। अब अगर एंड की जगह और होता, चलें इसको मैं कॉपी करके कमेंट करके यहाँ पे आ जाता, अब एंड की जगह मैं और यूज कर लेता, ठीक है। अब देखें अब यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा थी, सख्ती थी, मैं जो था वो स्ट्रिक्ट हो गया शॉप वाले के साथ, भाई 8 GB भी हो और स्टोरेज भी हो ये हो तो ही मैं आपसे लैपटॉप लूंगा, इसमें से एक भी नहीं हुई तो मैं आपसे लैपटॉप नहीं लूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गया, मैंने कहा यार चले आप एक काम करें, या तो रैम 8 GB हो या स्टोरेज ये हो, दोनों में से कोई भी अगर एक किस्म का लैपटॉप है तो वो मुझे आप दे दें। अब चाहे एक में कोई गलत भी लिख लूं तो भी हमारी जो ये कंडीशन होगी ये ट्रू हो जाएगी, तो ये भी देख लेते हैं चलें। अब देखें रैम हमारे पास 8 GB है और स्टोरेज शॉपकीपर वाले के पास 128 GB है, लेकिन मुझे ये कंडीशन है, तो ये कंडीशन तो हमारी फॉल्स हो गई, लेकिन एक कंडीशन ट्रू हो रही है, तो अब यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट में फॉल करेगा, इस स्टेटमेंट में आ जाएगा, तो इसको सेव कर लेते हैं। तो देखें आई कैन बाय दिस लैपटॉप, ठीक है, मैं ये लैपटॉप बाय कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे दोनों कंडीशन फॉल्स कर लूँ, चलें इसको हम यही रखते हैं, इसको मैं 4 GB कर लेता हूँ। अब दुकान वाले के पास ना तो 4 GB ना तो 8 GB रैम वाला है, ना ही इस स्टोरेज का है, ठीक है, तो ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, सेव कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आई कैन नॉट बाय दिस लैपटॉप इस स्टेटमेंट में आ गया। इसी तरह आप यहाँ पे एल्स इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं बीच में, उसमें आप ये ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स आई होप के क्लियर हो गए होंगे सबके, चैट बॉक्स में क्लियर लिख लें, इफ एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क द क्वेश्चन। अच्छा चैट बॉक्स में सर एक प्रैक्टिस लेस देन की कर दे, लेस देन की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं चले, ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, इसको भी कमेंट आउट कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ, ठीक है, 8 GB, GB नहीं लिखता मैं, यूँ समझ ले ये 8 GB है और जनरेशन ये 6th है और ये स्टोरेज हमारे पास 256 है, तो अब लेस देन और ग्रेटर देन जाहिर सी बात है नंबर्स पे ही काम करेगा ना, तो हम यहाँ पे नंबर्स यूज कर लेते हैं। मैं कहता हूँ इफ
अगर रैम ग्रेटर देन हो 4 GB के तो भी मैं लैपटॉप ले सकता हूँ, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, आई लाइक दिस लैपटॉप। ये हो गया हमारे पास ग्रेटर देन का, ठीक है। इसी तरह एक काम करते हैं, यहाँ पे एंड लगा लेते हैं। ये मैं कहता हूँ रैम 4 GB से ऊपर हो तो मैं ले सकता हूँ, लेकिन रैम 8 GB से ऊपर ना हो, ठीक है। 4 से 8 के दरमियान ही मैं ले सकता हूँ भाई। 8 GB से ऊपर होगी तो महंगा हो जाएगा, इतनी मेरी रेंज नहीं है, ठीक है। तो अब ये इस कंडीशन को समझें, इस कंडीशन में क्या है, रैम या तो 4 GB से ऊपर हो या 8 GB से कम हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर इक्वल्स लगा दूं, अब क्या होगा, अब ये हो गया कि रैम या तो 4 GB से ऊपर हो या 8 GB हो या 8 GB से कम हो, 8 GB से ऊपर ना हो, 8 GB हो तो भी चलेगा। इक्वल लेस देन और इक्वल्स टू का ये मतलब हो गया। तो ये कंडीशन क्या है हमारे पास, यहाँ पे वैल्यू देखें ट्रू हो रही है क्योंकि रैम 8 है तो जाहिर सी बात है 4 से ऊपर हो गए। यहाँ पे ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो रही है क्योंकि इसके बराबर ही है, तो यहाँ पे बराबर भी है, ठीक है। तो अब ये दोनों ट्रू हैं तो हमारा ये वाला कंसोल वर्क करेगा या नहीं करेगा देख लेते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ, तो आई लाइक दिस लैपटॉप, ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे 10 होता, दुकान वाले के पास 10 GB की रैम है, ठीक है। अब मेरी तो कंडीशन ये थी कि यार 8 से ऊपर ना हो, 8 हो या 8 से कम हो, ठीक है। अब ये तो कंडीशन ट्रू हो रही है, 4 से तो ऊपर है लेकिन 8 से भी ऊपर हो गया, 8 से कम होनी चाहिए थी। तो अब ये एंड है, तो एंड तो बड़ा सख्त होता है, कहता है भाई दोनों तरफ ट्रू होना चाहिए। तो अब देखें कुछ भी नहीं आया, तो इसने इसको स्किप कर दिया। तो आई होप कि अब आपका मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आते हैं, अच्छा क्लियर लिख लें चैट बॉक्स में, ठीक है। आप चैट बॉक्स में क्लियर लिख लें तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टॉपिक नहीं है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे जो हमारी असाइनमेंट मिली थी। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 23 तो सबने कर लिया था क्वेश्चन, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा किया था। 24, अब 24 में एंड और यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब ये भी आज का आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। इसमें सिर्फ एंड और यूज करनी है, बाकी 23 रिपीट करना है सारा इसके अंदर, ठीक है। अच्छा 25 में आपके पास आ रहा है कंडीशनल स्टेटमेंट, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं आपके, ठीक है। तो आज क्योंकि यही टॉपिक हमने पढ़ा है तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। एलियन कलर्स, अच्छा ये समझा दूं क्या, समझाने की जरूरत है आई थिंक, चलें देख लेते हैं। न्यूमेरिकल टेस्ट इन्वॉल्विंग इक्वालिटी इन इक्वालिटी ग्रेटर देन एंड लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू एंड लेस देन आर इक्वल टू, ये तो आपने यूज किए थे, ठीक है, आज 23 वाले होमवर्क में। उसके अलावा ये भी यूज करना है, जैसे मैंने आज करके दिखाया तो है आपको, आप एक काम कर लें, जिसने नहीं देखा वो रिपीटेड ये रिकॉर्डेड वीडियो देख लें, ठीक है, वो समझ आ जाएंगे। मैंने ये शुरू में करवाए हैं, टेस्ट करवाए हैं, उसी तरह टेस्ट करना है। उसके बाद आते हैं एलियन कलर्स, क्वेश्चन 25, एलियन कलर्स नंबर 1। अब ये एलियन कलर्स का नंबर 1 क्वेश्चन है, इसपे 3 4 क्वेश्चन है। तो नंबर 1 पे आते हैं, इमेजिन एन एलियन वॉज जस्ट शॉट डाउन इन अ गेम, क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड एलियन कलर एंड असाइन इट अ वैल्यू ऑफ ग्रीन येलो और रेड, ठीक है। अब ये कह रहा है इन तीनों में से कोई भी कलर इसमें असाइन कर दें एक वेरिएबल, ठीक है, ये हो जाएगा। राइट एंड इफ स्टेटमेंट टू टेस्ट वेदर द एलियन कलर इज ग्रीन, चले ये मैं थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। रेड एलियन रेड इक्वल, अब कोई भी एक हम ले लेते हैं ना ग्रीन, वो भी यही कह रहा है भाई कोई भी एक ले लें तीनों में से कलर पहले क्वेश्चन में। राइट एन इफ स्टेटमेंट टू टेस्ट वेदर द एलियंस कलर इज ग्रीन, इफ इट इज प्रिंट अ मैसेज दैट द प्लेयर जस्ट अर्न 5 पॉइंट्स। तो वही कंडीशन, क्या कंडीशन, इफ एलियन कलर, यहाँ पे इक्वल वाला साइन यूज होगा, इफ एलियन कलर इज इक्वल टू ग्रीन, क्या प्रिंट करना है ये आप लोग खुद कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर ग्रीन हो तो क्या प्रिंट करना है, प्लेयर जस्ट अर्न 5 पॉइंट्स, ये प्रिंट करना है। उसके बाद क्या कह रहा है, राइट वन वर्जन ऑफ दिस प्रोग्राम दैट पासिस द इफ टेस्ट एंड इन अदर दैट फेल्स द वर्जन दैट फेल्स विल हैव नो आउटपुट। अब कह रहा है दो वर्जन बनाना, एक तो आपने ये बना लिया, ठीक है, अब दूसरा ये बना सकते हैं, एक और स्टेटमेंट बना सकते हैं आप,
ठीक है, इफ एलियन कलर, लेट्स से इफ एलियन कलर इज इक्वल टू, रेड कर लेते हैं, इसमें आप कोई भी बना सकते। अब कह रहा है एक में तो पास हो, एक में जो आप स्टेटमेंट दें वो आ जाए प्रिंट होके, लेकिन दूसरे में ना आए, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ग्रीन है तो इसका तो स्टेटमेंट प्रिंट ही नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन का ये मतलब है। 26 देख लेते हैं, 26 में कह रहा है कि एलियन कलर्स, नंबर टू क्वेश्चन, ठीक है, चूज अ कलर फॉर एन एलियन एज यू डिड इन एक्सरसाइज 25, ठीक है, कोई भी कलर चूज करना है एंड राइट एंड इफ एल्स चेंज। अब यहाँ पे एल्स भी यूज करना है हमें, उसमें सिर्फ इफ इफ यूज करना था। सो अब नीचे मजीद हमें एक्सप्लेन कर रहा है, इफ द एलियंस कलर इज ग्रीन प्रिंट ए स्टेटमेंट दैट द प्लेयर जस्ट अर्न 5 पॉइंट्स फॉर शूटिंग द एलियन। ठीक है, उसी तरह अगर उसका कलर ग्रीन हो तो ये लिख के आ जाए, ठीक है, इफ द एलियंस कलर इज इंट ग्रीन, अगर ग्रीन नहीं है तो ये आपके एल्स में चला जाएगा, ठीक है, प्रिंट ए स्टेटमेंट दैट द प्लेयर जस्ट अर्न 10 पॉइंट्स। अब एल्स में आप लोग ये कंसोल लगा देंगे, राइट वन वर्जन ऑफ दिस प्रोग्राम दैट रन्स द इफ ब्लॉक एंड इन अदर दैट रन्स द एल्स ब्लॉक। ठीक है, अब आप लोगों ने एक ही वर्जन लिखना है, उसमें क्या होगा कि एक में तो आपका ग्रीन के अंदर जो कंसोल होगा, मतलब एक में आपकी इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी और कंसोल इफ वाला प्रिंट हो जाएगा, दूसरा आपने इफ एल्स बनाना है जिसमें इफ वाला ट्रू ना हो और एल्स वाला चल जाए। ठीक है, अब इतना तो मैंने डिफाइन कर दिया कि आप कर सकते हो, ठीक है। तब 27 में भी ऐसे ही, 27 में क्या है, 27 में एल्स इफ यूज करना है। अच्छा बताएं, कुछ समझ आ रहा है थोड़ा बहुत, चैट बॉक्स में बताएं मुझे, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं जो समझा रहा हूँ, क्लियर सर? पूरा पूरा समझ, पूरा समझ आ रहा है, गुड वेल डन जी सर, थोड़ा बहुत क्लियर, चले अल्हम्दुलिल्लाह सभी को क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। तो 28 में क्या है भाई, 28 पे आ जाते हैं, स्टेजेस ऑफ लाइफ, अब ये भी इफ स्टेटमेंट का है, ठीक है, राइट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट दे डिटरमाइन द पर्सन स्टेज ऑफ लाइफ, ठीक है, सेट अ वैल्यू फॉर द वेरिएबल एज एंड देन, अच्छा यहाँ पे पर्सन एज या एज का एक वेरिएबल बना दे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है इफ द पर्सन इज लेस देन 2 ईयर्स प्रिंट अ मैसेज दैट द पर्सन इज अ बेबी, इफ द पर्सन इज एटलीस्ट 2 ईयर्स बट लेस देन 4 ईयर्स, ठीक है। अब ये मैं थोड़ा आप लोगों को एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ, बाकी आपका ये जो है ना सेम ही रिपीट हो रहा है। अब ये नोट करें, ये पहला तो इफ में आएगा, ये इफ एल्स में नहीं, ये इफ में आएगा, ये एल्स 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 इफ में आएगा, आखिरी वाला जो होगा वो एल्स में आ जाएगा, ठीक है, तो बीच वाले सारे एल्स इफ में आएंगे। तो इफ द पर्सन इज एटलीस्ट 2 ईयर्स बट लेस देन 4, अब कह रहा है एटलीस्ट 2 ईयर्स हो, कम से कम 2 ईयर्स हो बट लेस देन 4 हो, तो ये कैसे बनेगी कंडीशन हमारी, आते हैं लेट एज इज इक्वल टू लेट से 20 ईयर्स, ये कह रहा है इफ, वापस पढ़ लेते हैं इसको, पहले में क्या कह रहा है इफ द पर्सन इज लेस देन 2 ईयर्स, तो ये तो आसान है, केस में क्या लिखना है, एज इज लेस देन 2, तो जो वो प्रिंट हो जाए। दूसरे ऑप्शन में क्या कह रहा है, इफ देख लेते हैं, पर्सन इज एटलीस्ट 2 ईयर्स ओल्ड बट लेस देन 4, एटलीस्ट 2 ईयर्स का मतलब ये होगा कि एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ईयर्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2 से ज्यादा हो लेकिन कम से कम 2 हो, मतलब इक्वल 2 के हो या उससे ऊपर हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यही मकसद हुआ ना, ठीक है। और यहाँ पे एंड भी लगाना है हमें, ठीक है, यहाँ पे 2 कंडीशंस बता रहे हैं, एटलीस्ट 2 ईयर्स ओल्ड बट लेस देन 4, ठीक है, तो एंड एज इज लेस देन 4, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू नहीं कह रहा, लेस देन 4 कह रहा है, तो ये आपकी ये कंडीशन बन जाएगी। इसमें क्या करना है वो आप देख लीजिएगा, इसी तरह ये हमारे पास इफ द पर्सन इज एटलीस्ट 4 ईयर्स बट लेस देन 13, ये भी वही है, इफ एज इज एटलीस्ट 4 मतलब या 4 हो या 4 से ज्यादा हो, एटलीस्ट का यही मतलब होता है ना,
एंड कहाँ गया भाई, एज इज लेस देन 30, तो यही कंडीशन इस तरह बनेगी। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे एल्स इफ आएगा, यहाँ पे हमारे पास एल्स इफ आएगा, ठीक है, सिर्फ पहले में इफ आएगा, बाकियों में सब में एल्स इफ आएगा, ठीक है। तो ये आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो आई थिंक यहाँ तक हम जो है वो अच्छा, ये आप लोगों ने मुझे कल तक चेक करवाना है, ठीक है, ये मुझे जहाँ तक हो, जहाँ तक आप लोगों को समझ आए कि हमने जो जो पढ़ा है उसके अंदर है, तो वो आप लोगों ने सारे करके मुझे चेक करवाने हैं कल तक इंशाल्लाह, क्योंकि कल हो सकता है हम नेक्स्ट सेशन रखें। तो आई होप कि आप लोग क्लियर हो गया होगा, क्लियर है तो चैट बॉक्स में क्लियर और येस लिख लें। तो यहाँ पे हम इंशाल्लाह 1 मिनट में सेशन को एंड कर लेंगे। जब तक आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो माइक ऑन करके क्वेश्चन कर सकते हैं।